नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी डीवीएलटी, वीएलडीडी, बीवीएससी और बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी है BVS कोर्स के लिए, VLDD के लिए, DVLT कोर्सेज के लिए और BTech के लिए, कैसे जो है अपना आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब जो है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के फॉर्म शुरू होने वाले हैं, और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोगों को इसी तरह की यूजफुल वीडियोज मेरे चैनल के माध्यम से चाहिए तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोज मैं जब भी बनाऊंगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको जो ये डायरेक्ट लिंक है, मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये हमारी जो वेबसाइट है naukrikranch.com की वेबसाइट पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। अभी जो है लुआस हिसार यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, जैसे ही शुरू होंगे मैं अलग से वीडियो बना करके जो है अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको मोटी मोटी जानकारी जो है दे देता हूँ कि क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, कैसे आप अपना फॉर्म जब शुरू होगा वो फिल कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, ये हमारी नौकरी क्रंच की वेबसाइट है, इस पर मैंने पूरा डिटेल जो है दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट दिया हुआ है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, ये कौन कौन से कोर्स जो है ऑफर कर रही है, फॉर्म शुरू होने का जो टाइम है लगभग जुलाई तक फॉर्म जो है शुरू होने वाले हैं, रेगुलर ये कोर्सेज रेगुलर होते हैं, और ये जुलाई का मतलब ये कभी भी शुरू हो सकते हैं, इस महीने में या नेक्स्ट मंथ कभी भी फॉर्म जो है शुरू हो सकते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया दिया हुआ है कि किस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आपका जो है सिलेक्शन होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे बीवीएससी कोर्स के लिए आपके पास जो है नीट का पेपर होना चाहिए, नीट कंडक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही, पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस। नीट 2023 का आप लोगों को एग्ज़ाम जो है पास करना पड़ेगा, अगर आपको बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज में आपको एडमिशन लेना है। इसी तरह से VLDD के लिए ये लोग जो है लुआस यूनिवर्सिटी खुद से पेपर लेगी, इसकी एलिजिबिलिटी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। DVLT के लिए जो है आपको नीट का पेपर देना होगा और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech के लिए आपको CODST का पेपर देना होगा, इंटरेस्ट रेट देना होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आप एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया जो है देख सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जो है डायरेक्ट लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अभी जो है डेट फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो शुरू नहीं हुई है, जैसे शुरू होगी हम लोग जो है इस पे अपडेट कर देंगे अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से जाकर के आप जो है डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। और फीस भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कोर्स के लिए कितनी कितनी जो है एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने की फीस कितनी लगने वाली है। अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप आसानी से अपना फॉर्म जो है यहाँ से इंस्ट्रक्शन रीड करके जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ मोटा मोटा बता देता हूँ कि कैसे आप लोग अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एडमिशन वाला पोर्टल खुल के आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे आप BVSC एंड AS प्रोग्राम या VLDD या DVLT कोर्सेज के लिए, कोई से भी कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे VLDD कोर्स के लिए क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अभी जो है फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यूजर ID पासवर्ड डाल करके आप जो है अपना पिछला डिटेल लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, ताकि उन लोगों को समय पर इस चीज़ के बारे में पता लग सके।
धन्यवाद।